होता है कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के देखो क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा है आपको लैंग्वेज में इशू है या फिर आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लिखते हो, आपको यूपीएससी में वो जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको बहुत ही सिंपल और कह सकते हो कि लूसिड लैंग्वेज की जरूरत होती है यूपीएससी में, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस होते हैं, लिमिटेड कह सकते हो वर्ड्स में आपको एक स्पेस करने होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी आपको ये चीज़ सिखा देगी कैसे आप लिमिटेड वर्ड में एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है? दूसरी चीज़ें होती है कि बहुत सारे इंजीनियर्स तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके पास एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो ना हर चीज़ को आइसोलेटेड देखते हैं, डिस्क्रीट मैनर में देखते हैं, तो उनका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही बेकार होता है। एक तो अब मैं सभी सभी इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली ऐसे हैं, तो ये होता है कि उनके पास कोहरेंस की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? तो कोहरेंस आप यहाँ से सीख सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक है? फ्लो ऑफ जो बोलते हैं ना, फ्लो ऑफ पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आप कैसे मेंटेन रखते हो फ्लो को, तो वो आप एनसीईआरटी से सीख सकते हो। तो फिर आप देखते हैं कि कौन कौन से एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहला तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी ऐसा है जो कि मेरे लगता है सेल्फ सफिशियंट है, ठीक है? आपको और इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी को कवर करने के लिए। बहुत ही लूसिड वे में, बहुत ही सिंपल वे में सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, तो आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है? क्योंकि लाइन टू लाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सो यू कैन रेफर ज्योग्राफी फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड देन हिस्ट्री में क्या होता है कि क्या होता है ना कि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये इतना ज़्यादा मार्केट में ये बना रखा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, तो बड़ी बड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा ऐसा ऑथर का बुक पढ़ना पड़ेगा जो किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन यही मिस्टेक करते हैं। हमें सबसे पहले एनसीईआरटी समझ लो फाउंडेशन है, एनसीईआरटी आपको हर चीज़ का पढ़ो, आपके पास टाइम है तो हर सारा एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे कि बहुत कलरफुल एनसीईआरटी बना रखा है, न्यू एनसीईआरटी, सो जो कलरफुल चीज़ें लिखे हुए हैं ना वहाँ से डायरेक्टली लाइन उठाता है यूपीएससी और स्पेशली प्रीलिम्स में डालता है। फिर आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में लगता है अरे मैंने तो ये बुक भी पढ़ लिया, वो भी बुक भी पढ़ लिया, लेकिन ये लाइन कहाँ से आ गया, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गया, तो वो आपका जो कलरफुल बॉक्स बना के जो एनसीईआरटी लिखा है ना वहाँ पे पड़ा रहता है और आप इसको स्किप करके जाते हो, इसलिए आपका सवाल सही नहीं हो पाता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी 6 to 12th हिस्ट्री का भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? फिर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जनरली ये इशू रहता है कि अपडेटेड नहीं है, तो अपडेटेड नहीं है तो उससे क्या होता है कि जो डेटा है वो बहुत ही पुराना है, आपको लगता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो आप डेटा को इग्नोर करो, ठीक है? डेटा को इग्नोर करो एंड देन यू कैन रेफर टू कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे पॉवर्टी का जो मीनिंग है मोर और लेस ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है? ग्रोथ रेट में जीडीपी कैसे डिफाइन करते हैं वो तो सेम ही रहेगा ना, तो उस चीज़ को आप समझो इकोनॉमिक्स है, आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स ब्रॉडली होता क्या है, तो वो चीज़ें आपको पता चल गई, आपको डायमेंशन पता चल गया, तो यू कैन ईजिली राइट योर आंसर इन फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स में भी आप गेस कर सकते हो अगर डेटा आपको नहीं पता है तो, ठीक है? फिर पॉलिटी, पॉलिटी में लोगों को ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ लिया सो इट्स मोर देन इनफ, बट द प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि आप जब पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इससे ये फ़ायदा मिलता है आपको कि एक तो पॉलिटिका का क्या है ना कि टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है आपको तो उसमें क्या होता है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मेन, जैसे फेडरलिज्म एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो, फेडरलिज्म में अब आपको फीचर बहुत सारे हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बहुत सारे फीचर लिख रखे हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है वो आंसर जब आप लिखते हो ना सर, जो पहला पॉइंट लिखते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो, तो वो आपको एनसीईआरटी से मिलता है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस पॉइंट को बहुत ही हाईलाइट करके पैराग्राफ बना के लिखा है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि अच्छा फेडरलिज्म का ये फीचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे को स्टार्क मार्क करके याद करना है। तो डेट्स वाई यू नीड टू रीड एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी एज वेल, ठीक है? और फिर क्या होता है कि साइंस, ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो फिर तो ठीक है, आपका सब कुछ सही है, मतलब अगर आप साइंस में अच्छे सीखे हो तो। बट जनरली क्या होता है कि सोशल साइंस जो स्टूडेंट करते हैं बाद में, तो वो इसलिए सोशल साइंस भी लेते हैं, तो एक तो उनका इंटरेस्ट रहता है सोशल साइंस में, और फिर वो जब बचपन में मतलब कह लो गलतियाँ करते हैं या फिर
उनको उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी, इसलिए उनको अभी सोशल साइंस उतना अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो इसलिए आपको फिर से मौका मिला है, आप वापस जाओ एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 8, और इसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है, बैलेंस डाइट आपको पता चलेगा, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स की कमी के कारण क्या क्या बीमारी, ये सब 6 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप पढ़ोगे तो आप एक अवेयर सिटीजन बनोगे, सो यू शुड रीड एनसीईआरटी बहुत ही। अब हमेशा आप देखोगे कि एक दो सवाल तो यहाँ से आ ही जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू स्किप इट, ठीक है। और अभी क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी को यूपीएससी ने पिकअप करा है, जैसे पिछले साल सवाल था IRNA, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको इस एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आपको इसको भी प्रॉपरली अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का क्या है कि आपको ऑब्वियसली रेफर करना पड़ेगा और दूसरे रिसोर्स, लेकिन इसमें मोर और लेस आपको इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा, फैमिलियर हो जाओगे, और आई थिंक यू नो हर साल एक सवाल उठा ही लेता है इससे, मतलब एक सवाल आप देखोगे वो भी बहुत ही कह सकते हो कि हेडिंग में लिखा हुआ चीज़ को उठा के डाल देगा आपके प्रिलिम्स में, और आप टटोलते रह जाओगे कि अरे यार ये लाइन कहाँ था, ये तो कहीं था ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, कैसे पागल हो गया, कुछ भी नहीं रहा है। तो आपको इसलिए एनसीईआरटी को पहला बेसिस बनाओ, वहाँ से करो, ठीक है। एंड देन व्हाई यू नीड टू दिस थिंग, बिकॉज पेपर वन जो है जीएस का, उसमें आपने देखा होगा कि सोशल इश्यूज होते हैं, तो आपको सोशल इश्यूज यहाँ से कवर हो जाएंगे, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक को करना कैसे है, ठीक है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज दैट यू नो एसे, एसे हमेशा जनरली आप देखोगे कि एक एसे का टॉपिक तो सोशल इश्यूज से रहता है, तो अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू राइट ए गुड एसे, ठीक है। तो डैट्स वाई यू नीड टू रीड इट। और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो फिर तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक बेसिक बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो यू शुड ऑल्सो रीड इट, ठीक है। सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे आप एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपका स्पीड जो है पढ़ने का वो नॉर्मल से हमेशा फास्ट रखो, यू शुड ऑलवेज फील अर्जेंसी, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि नहीं मैं इस लाइन को समझूंगा रटूंगा, नहीं, आप जस्ट यू यू फील लाइक यू आर रीडिंग ए नॉवल, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो और बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखो, अंडरलाइन करते जाओ। जैसे पहला लाइन है, ठीक है, पहला लाइन का प्रीलिम्स से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इसका मतलब कि इंडिया के अलावा और बहुत सारे कंट्री हैं जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, तो प्रीलिम्स में हमेशा वही चीज़ पूछती है जो यूनिक होती है, ठीक है, यूनिक हो मतलब कुछ ऐसा हो तो वो पूछती है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। आप देख सकते हो कि कैसे इंडिया के बारे में ये पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर रही है, तो दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सो यू कैन लर्न कि कैसे मैं किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, और कितने सिंप्लीफाइड वे में और एट द सेम टाइम कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये पैराग्राफ। तो आप इस चीज़ को एनसीईआरटी से सीख सकते हो, जैसे इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, ये सब जो एडजेक्टिव है आप नोट डाउन कर सकते हो और अपने एसे या फिर एंसर राइटिंग में यूज़ करोगे, एग्जामिनर को बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, फिर उसको फील ही नहीं होगा कि आपको लैंग्वेज आता भी नहीं है। सो यू कैन रीड एनसीईआरटी फॉर दिस पर्पस एज वेल, ठीक है। फिर आप देखो कि कैसे इन्होंने ब्रॉडली यूज़ करा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये जो सेंटेंस है आप देख सकते हो कैसे इन्होंने ब्रॉडली हर चीज़ को कवर कर दिया इंडिया को इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है। सो यू कैन लर्न दिस स्किल फ्रॉम रीडिंग एनसीईआरटी, ठीक है। इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कैसे इन्होंने फिर एंड किया पैराग्राफ को, तो ये भी आप सीख सकते हो। एंड नाउ क्योंकि आपने देख रहे हो कि दूसरा जो टॉपिक है लोकेशन, तो लोकेशन को कैसे ये इंट्रोड्यूस करेंगे यू विल लर्न हियर। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है। फिर लाइन इंटायरली, अब ये सब जो वर्ड होते हैं ना इंटायरली टोटली, ये सब कैची लाइन होते हैं जो यूपीएससी आपको प्रीलिम्स के ऑप्शंस में डाल देगा, तो इसलिए आप इसको केयरफुली पढ़ो और इसको स्टार्क मार्क करो, ठीक है। लाइन इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वो डाल देगा आपके यूपीएससी ऑफ प्रीलिम्स के ऑप्शन में, लाइन नॉट इंटायरली, ठीक है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे इंटायरली था कि नॉट था क्या था, ठीक है, इसलिए अभी केयरफुली पढ़ो इसको एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो इसको केयरफुली देखना, और जो डेटा होता है स्पेशली, जैसे ये बहुत ही बेसिक डेटा है, ठीक है, हम लोग मतलब जनरली आपको अभी पता चलेगा कि चाइना ने कैप्चर कर लिया, ठीक है, पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया हमारी लैंड को,
मोदी जी सो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अनटिल एंड अनलेस तब तक नहीं पता चलेगा जब तक यू नो द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इंडिया का जो कह सकते हो कि लैंड एरिया क्या है, बेसिकली नॉर्थ टू नॉर्थ है, ईस्ट टू ईस्ट है। सो यू नीड टू ऑल्सो बी अवेयर अबाउट कि ये नॉर्थ टू नॉर्थ है, ठीक है। एक बार ऑप्शन में आ गया था, नॉर्थ की जगह इन्होंने साउथ कर दिया था, लोग ने बहुत ही देखा ऑप्शन, अरे ये तो मैं पढ़ा हूँ, टिक करो, ठीक है। बाद में देखा घर गया, अच्छा गलत हो गया, अरे वो सेट, ये तो एनसीईआरटी में था, मैंने बहुत ही केयरफुली मतलब नहीं पढ़ा, इसको लाइटली लिया, इसलिए गलत हो गया। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। फिर देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब को आपको रटना पड़ेगा। डिवाइड्स द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जब रिवीजन करो इसको ही पढ़ो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं एक बार पढ़ लिया तो, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस रिलेटेड एक बार पढ़ लियो समझ में आ जाता है, ठीक है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेडन लाइक द अंडमान, ठीक है। अब ये सब के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं, बट ऑल दो इट्स इंपॉर्टेंट यू हैव टू कवर फ्रॉम द मैप। सो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। और एक चीज़ एनसीईआरटी में होता है कि एनसीईआरटी बहुत ही कलरफुल है, ठीक है। तो जो कलरफुल और स्पेशली डू यू नो, ठीक है, डू यू नो कि, तो ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली नोट डाउन करना है, स्टार्क मार्क लगाना है, ठीक है। अगर आप स्पीड में रिवाइज कर रहे हो तो आप पूरा स्किप करके इसको जरूर देखो, ठीक है, जो आपने पहले स्टार मार्क लगाया उसको देखो। अब जैसे रिवीजन करना है मेरे को, मैंने आपके साथ पढ़ा, तो मैं रिवीजन के लिए क्या यूज़ करूँगा, लाइंग इंटायरली, ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा था, ठीक है, ये हो गया मेरा रिवीजन, अब ये हो गया, एक लाइन ये पढ़ना है मेरे को, एक लाइन ये पढ़ना है। अब देखो कितना जल्दी मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो आपको कट तो नहीं करना है, बट यू शुड नो कि किस चीज़ को स्किप करना है सेकेंड रीडिंग में जब आप रिवाइज कर रहे हो। तो सो दिस वे यू हैव टू कम्प्लीट योर एनसीईआरटी। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू हैव टू रीड वेरी फास्ट, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरलाइन। विदाउट अंडरलाइन इफ यू आर रीडिंग इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, सो कीप अंडरलाइनिंग इट सो दैट यू कैन रिवाइज लेटर, ठीक है। सो गाइज फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, वना पी संतोष है मेरा यूज़र आईडी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में अप्रिसिएट कीजिए, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कुछ है नहीं, अप्रिसिएशन से मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए काम करूंगा। एंड देन एट द सेम टाइम मैं आपको बोलूंगा कि सजेशन भी दीजिए मेरे को, कि आपको लगता है कि कुछ इस पर वीडियो बनाओ या उस पर ये करो, सो आई विल डू इट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाओ, और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा मतलब आप लोग आईएएस बनो और देश की सेवा करो। थैंक यू सो मच।